नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉर्बिन जॉब प्रोफेशनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो कल आ चुकी है और सारे के सारे बच्चों ने लगभग यहाँ पर अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे ऑफिशियल आंसर्स की रिकॉर्डिंग। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर गुस्सा भी आया क्योंकि यहाँ पर जो आंसर की है वो मास्टर आंसर की यहाँ पर अपलोड की गई थी, जिससे देखने में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि आयोग को चाहिए था कि यहाँ पर हर एक सेट की, यहाँ पर चार चार चूँकि सेट बनाए गए, जितने भी सेट बनाए गए थे उन सेट के अकॉर्डिंग उतनी आंसर की अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उसकी तरह ऐसा नहीं किया गया था, जिससे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा समस्या हुई। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ा, उन्हें फिर मास्टर आंसर की जो थी वो सेट ए के हिसाब से बनाई गई थी, तो सेट ए के हिसाब से उनको आंसर देखने पड़े थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। लेकिन दोस्तों, अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूब पर बता भी रहे हैं कि क्या कहानी यहाँ पर हुई है, कैसे कैसे। तो जहाँ तक मैंने अपने आसपास के लोगों से और अपने जो विद्यार्थी हैं उन लोगों से जो बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की, कुछ हमने पोल्स भी चलाए अपने चैनल पर, तो उन सबके माध्यम से यहाँ पर कुछ रिजल्ट आए हैं जिनके हिसाब से, जिनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसकी वो बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपसे एक ये रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आप हमारे इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति दे सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये जरूर है कि कोई भी यहाँ पर वल्गर कमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने जो देखा और लोगों से बात, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी, यानी 70-80% विद्यार्थी हमारे जान में ऐसे ही मिले जो आंसर की मिलाने के बाद उनके कुछ मार्क्स कम ही हुए हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मार्क्स कुछ यहाँ पर कम ही देखने को मिले हैं। 2-4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स वही रहे हैं जो उन्होंने पहले बताए थे, और एक आध विद्यार्थी सिर्फ ऐसे मिले हैं जिनके मार्क्स 1 आध बढ़े हैं। तो जहाँ तक मुझे मैंने देखा है, तो मेरे देखने के अकॉर्डिंग में अगर बताऊँ तो मुझे यही मिला है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं ऑफिशियल आंसर की मैच करने के बाद उन सभी के नंबर यहाँ पर 1-2 करके कुछ घटे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो कुछ पोल्स किए हैं और जो कुछ कमेंट्स में जो मुझे विद्यार्थियों ने अपने मार्क्स जो शेयर किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर जो 60-70 के बीच की जो रेंज है, यानी 60 मार्क्स से लेकर 70 मार्क्स, इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी हैं, यानी कि इस रेंज में बहुत सारे विद्यार्थी आ रहे हैं, इस रेंज में बहुत सारे विद्यार्थियों के मार्क्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं कि लगभग 1,20,000 के आसपास लोग को लेखपाल के लिए क्वालीफाई किया गया, यानी कि 15 टाइम क्वालीफाई किया जाएगा। तो अगर हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थियों को क्वालीफाई किया जाएगा, इतने ही विद्यार्थियों को नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को ये बताऊँ, अगर 1,20,000 के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर इतने ही क्वालीफाई किए जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 65, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो ये आपकी 65 प्लस यहाँ पर रहेगी, अगर यहाँ पर 1,30,000 के आसपास ही लोगों को क्वालीफाई किया जाता है, 65 वहाँ पर रह सकती हैं। अब इसी हिसाब से आप लोग अपना OBC SC ST देख सकते हैं। OBC की बात करें तो 60 प्लस आप जा सकते हैं, अगर SC की बात करते हैं तो आप 55 जा सकते हैं, और अगर ST की बात करते हैं तो आप 50 प्लस जा सकते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पर अपनी कट ऑफ को, और अगर EWS की बात करते हैं तो EWS की जो कट ऑफ है ये आपकी लगभग OBC के आसपास यहाँ पर रह सकती है, यानी कि 60 के आसपास यहाँ पर EWS की कट ऑफ जो है वो रह सकती है। ये अगर यहाँ पर 1,20,000 के ही आसपास लोगों को बुलाया जाता है, उस कंडीशन में मैंने ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है। और अगर यहाँ पर आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर इससे भी ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, जो कि मुझे ऐसी उम्मीद है ऐसा ही होगा, तो कट ऑफ आपकी 55 या 60 के आसपास भी यहाँ पर रह सकती है, यानी कि जनरल की 60 तक भी जा सकती है और OBC की इस हिसाब से 55 और SC ST की 50 और 45 जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर हमारे तरफ से कट ऑफ का प्रेडिक्शंस। अगर आप लोगों को यहाँ पर लगता है कि कुछ और जा सकती है या आप लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी कट ऑफ से सहमत हैं तो आप हमें यहाँ पर लाइक का बटन दबाकर हमारी सहमति को स्वीकृति दे सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।